Welcome. सो गाइस आज फाइनली हम मौलिक अधिकार यानी कि भारत के संविधान से प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत सारे छत्तीसगढ़ भर्तियां में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपका जो टॉपिक है आपका मौलिक अधिकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम मौलिक अधिकार के बारे में संबंधित कुछ जानकारी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, उसके बाद हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसमें 2 से 3 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। जैसे हॉस्टल वार्डन में देखिए 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आपका कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 50 नंबर का प्रश्न रहता है जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य रहता है। उसी प्रकार आपका लेबर इंस्पेक्टर है जिसका 34 पदों पर भर्ती की जा रही है, ठीक है, उसका भी कंप्यूटर में 20 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। साथ ही लेबर इंस्पेक्टर और छात्रावास अधीक्षक में सामान्य ज्ञान से प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं जिसमें हम भारत का संविधान यानी कि मौलिक कर्तव्य से प्रश्न देखने वाले हैं। एक बात और है कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि देखिए सीजी व्यापम में एक न्यू अपडेट आया है कि जो लेबर इंस्पेक्टर के 34 पदों पर जो विज्ञापन निकला था वो 18 जून को परीक्षा होनी थी उसको स्थगित कर दी गई है, जो अब उसको डेट को चेंज कर दिया गया है, यानी कि उसका डेट चेंज करके 24 जून को इसका एग्जाम होगा, किसका, लेबर इंस्पेक्टर का, ठीक है। तो यही एक सूचना था, सीजी व्यापम न्यू अपडेट आया था जो कि बिल्कुल हाँ जो 18 जून का था वो अब 24 जून को परीक्षा ली जाएगी, ठीक है, किसी कारणवश उसको डेट चेंज कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम भारत के संविधान से मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। बाकी क्लास आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी निकली है देखिए छत्तीसगढ़ में, जिसमें आप लोग जो भी एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं, अगर जो भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे एडीओ हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, एसआई मेंस की क्लास जो चल रही थी अब देखिए उसका एग्जाम 2 से 3 दिन बचा हुआ है, ठीक है। साथ ही जो आपका है एसआई का वो मैं आप सभी को बता दिया था, वो कंप्लीट हो चुका है, अब परीक्षा की तैयारी कर लीजिएगा, है ना, 2 से 3 दिन बचा हुआ है, जाके आप रिवाइज कर लीजिएगा। साथ ही लेबर इंस्पेक्टर की क्लास चल रही है और बहुत सारे एग्जाम है, एमएन पटवारी है, पटवारी लाइन में बहुत सारे एग्जाम है उसमें यह प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जा रही है। साथ ही देखिए लाइव क्लास के बारे में बात करें तो लाइव क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, बहुत डाउट क्लियर किया जाता है, तो वहाँ पर अभी लाइव क्लास के लिए मेरे पर टाइम नहीं है, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डेड क्लास आप सभी को देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल तैयारी कीजिएगा, वरना अगर वीडियो नहीं देखना चाहते तो स्किप करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं आज का जो है मौलिक अधिकार टॉपिक, जिसमें यह मौलिक अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो मौलिक अधिकार आपका कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे जो मौलिक अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, कौन से आर्टिकल नंबर, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक लिया गया है जो संविधान में वर्णित है, ठीक है। जो आपका मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक लिया गया है, जिसमें संविधान के भाग 3 एग्जाम में पूछा जाता है ना, इसको याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, कौन से भाग में है और आर्टिकल नंबर कितने से कितना तक है। तो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ आप सभी को कि याद रखिएगा, एक बार नोट करते चलिएगा, जो आपका मौलिक अधिकार है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक लिया गया है, भारत का संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त तो राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिएगा कि जो मूल अधिकार है ना, तो भारत के संविधान को यह भाग 3 के भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार में भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे मौलिक अधिकार को कहा जाता है, भाग 3 में स्थित है, साथ ही यह अनुच्छेद 12 से 35 तक लिया गया है। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 352 यानी कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया है, ठीक है, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उसी प्रकार मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, कितने थे, मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिया था, ठीक है। साथ ही
देखिए आप मौलिक अधिकार के बारे में बात करें तो मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक लिया गया है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, नोट करते चलिएगा कि जो मौलिक अधिकार है आपका आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक में भारत में जो समानता का अधिकार है, बिल्कुल जो समान अधिकार है आपका 14 से 18 तक लिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक लिया गया है। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 तक लिया गया है, जबकि आपका शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आपका 23 से 24 तक लिया गया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 23 से 24 में आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 वर्ष, ठीक है, जो आपका आर्टिकल नंबर में लिया गया 25 से 28 से अचुनाव में आर्टिकल नंबर 25। उसी प्रकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 29 से 30 में लिया गया है। कौन से लिया गया है? आर्टिकल नंबर 29 से 30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। उसी प्रकार आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आज की टॉपिक है, ठीक है, कौन सा है? आज के जो टॉपिक हम करने वाले हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपके आर्टिकल नंबर 32 में लिया गया, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से 2 से 3 नंबर बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित। तो चलिए जैसे कि आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया है। किसने कहा है संविधान की आत्मा? तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 1 से 2 नंबर में एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार से 2 से 3 नंबर प्रश्न बनते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको कंबाइनेट रूप से करा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल नोट करते हुए चलिएगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया है। तो आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, नोट करते चलिएगा कि देखिए संवैधानिक अनुच्छेद में यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में लिया गया है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए, जैसे आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि इसके अंतर्गत जो मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा, इसके द्वारा समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय से आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 5 तरह का समादेश यानी कि 5 तरह का समादेश जारी करने का, रिट जारी करने का आदेश दिया गया है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उनका जो उच्च न्यायालय में यह आवेदन किया गया है कि यह प्रदान किया गया है कि यह सर्वोच्च न्यायालय में 5 तरह का रिट जारी कर सकता है, वो आपका समादेश जारी करने के लिए प्रदान किया गया है। तो जैसे कि देखिए जो 5 तरह का रिट जारी करता है जो कि आपके एग्जाम में यही से प्रश्न पूछा जाता है, यही टॉपिक जो आपके एग्जाम में आता है, तो वही टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो को ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, सबसे पहला हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसी प्रकार आपका दूसरा है परमादेश, उसी प्रकार आपका तीसरा हो जाएगा प्रतिषेध, उसी प्रकार चौथा है आपका उत्प्रेषण, उसी प्रकार पांचवा है अधिकार परीक्षा। तो यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको याद रखना, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है, ये जो 5 टॉपिक है यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जो 5 टॉपिक आपको कवर कराऊंगा उसको ध्यान से समझना, सुनना, एक बार में आपको याद नहीं होता तो बिल्कुल वीडियो को दोबारा देख लेना, वहां से आपको याद परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है। किस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है? यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है कि जो ये यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो। कौन से रूप से? वो है यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो कि इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि उस बंदी बनाए गए व्यक्ति को उचित समय पर उचित स्थान पर प्रस्तुत किया जाए ताकि वह न्यायालय द्वारा पूछ सके कि किस कारणवश उसको बंदी बनाया गया है या उस पर विचार कर सके। इसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा आपको बता देना चाहूंगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण
वह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है कि जो यह समझता है कि वह उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो। क्या समझ रहे हैं? देखिए दोस्तों ध्यान से समझना, बंदी प्रत्यक्षीकरण से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण वह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि वह अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो और साथ ही उसे इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि उसे किस कारणवश बंदी बनाया गया है तो उसे उचित समय पर उचित स्थान पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे अधिकारी को आदेश वही बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय पर उपस्थित कर लिया जाए, जिससे न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति को उस कारण का उचित समावेश कर सके। यह आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। उसी प्रकार परमादेश के बारे में बात करें जो आपका आज्ञा पत्र के द्वारा दिया जाता है। परमादेश क्या होता है? एक आज्ञा पत्र दिया जाता है कि जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, जब कोई जो पदाधिकारी है अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, उसी के प्रकार जो आज्ञा पत्र के आधार पर उसे आज्ञा दिया जाता है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे। यह आपको परमादेश कहलाता है। परमादेश का मतलब होता है आज्ञा पत्र के द्वारा, ठीक है। उसी पर बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है अवैध रूप से बंदी बनाया गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार फिर से सुनिएगा। परमादेश का मतलब होता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसे इस प्रकार का आज्ञा पत्र दिया जाता है कि वह उस कर्तव्य का अपना सार्वजनिक रूप से कर्तव्य का पालन करे। इस प्रकार उसे आज्ञा पत्र परमादेश के अनुसार दिया जाता है या इसलिए उसको आदेश जारी किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार आपका है प्रतिषेध, ठीक है। प्रतिषेध का मतलब होता है प्रतिषेध लेख यानी कि आज्ञा पत्र, ठीक है। तो देखिए यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को यह न्यायाधीश जारी करता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करे, यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यानी कि कहने का मतलब है जो आपका प्रतिषेध है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश जारी किया जाता है कि इस मामले में यहाँ कार्यवाही न करते हुए यह मामला उसके अधिकार से बाहर है, यह प्रतिषेध जारी करता है, यह आदेश दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करते हैं उत्प्रेषण, जो कि आपके 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था, यहाँ से टॉपिक पूछा गया था। उत्प्रेषण का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालय से वरिष्ठ न्यायालय की ओर, ठीक है। जो आपका अधीनस्थ न्यायालय है, जो वरिष्ठ न्यायालय है वहां से, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं उत्प्रेषण के बारे में। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों को न्यायालय निर्णय के लिए वरिष्ठ अधिकारी से न्यायालय से बात करे या उसे न्यायालय को भेजे, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो कहा गया है कि आपका उत्प्रेषण अधीनस्थ न्यायालय से वरिष्ठ न्यायालय के बीच में, जो उत्प्रेषण का मतलब होता है कि यह अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि आपके पास जो लंबित कार्य है, लंबित मुकदमा है, उसको वरिष्ठ न्यायालय को पेश किया जाए या फिर वरिष्ठ न्यायालय को भेज दिया जाए। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण हम बात करते हैं अधिकार परीक्षा के बारे में, जो आपको पदाधिकारी से संबंधित है। जब अधिकार परीक्षा, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लग जाता है जो उसे अधिकार ही नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझना जो बता रहा हूँ। जो आपका अधिकार परीक्षा है यानी कि पदाधिकारी से संबंधित है अधिकार, जब कोई व्यक्ति अपने पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लग जाता है जो उसका अधिकारी ही नहीं है, ध्यान से समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब अधिकार परीक्षा जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार ही नहीं है, जबकि न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश पर उस व्यक्ति से पूछता है कि वह अधिकार से क्या कर रहा है और जब यह बात से संतोषजनक उत्तर नहीं करता तो यही कार्य उन अधिकार परीक्षा से पूछा जाता है जब उस अधिकारी ऐसे व्यक्ति है जो उसका अधिकार ही नहीं है और उस अधिकार पत्र से वह अपना कार्य रूप करता है, तो उसको पूछ लिया जाता है कि उस अधिकार से आप काम नहीं कर सकते, क्या कारण है जो आप उस पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हो, यही इसका अधिकार परीक्षा से संबंधित है। तो यह आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, पांच तरह के रिट जारी किया गया, पांच तरह के समय जारी किया गया है, जिसमें ये पांच जो टॉपिक है आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया था जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम कल क्लासेस करेंगे पार्ट टू वीडियो।
ये अगर पार्ट वन वीडियो आपको अगर काफी पसंद आ जाता है तो हम वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।